तो अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे सब्जी, पास में ही घर के सामने ही मतलब। तो हमारा ना मार्केट जाना कैंसिल हो गया क्योंकि भाई साहब ने सुबह देखा होगा कि हमने आंटी के साथ एक प्रैंक किया, हमारे घर में एक क्रोकोडाइल था, यहाँ ऐसे रख देते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, नैना कर रही है यहाँ पे तैयारी टिक्की की, सारा माल जो है आ चुका है। दीदी एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे शाम के 6 और ब्लॉग कब से सोच रही हूँ कि अब स्टार्ट कर दूँ, पर फाइनली अब स्टार्ट कर रही हूँ। और घर में जैसे कि पता है कोई नहीं है, नहीं कोई तो है, बस दीदी और मम्मी नहीं है, वो गए हुए हैं। जैसे कि पता है दीदी की शॉप है, वहाँ पर गए हुए हैं। तो अभी घर में बस पापा है, मैं हूँ, भाभी है और नैना है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर बाज़ार क्योंकि कल है कंजक और कल हमारे व्रत ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि कंजकों के लिए इस बार कुछ स्पेशल लूँ, पर देखते हैं। अब बाज़ार जा रहे हैं और वहाँ से सब्ज़ी वगैरह भी लेके आनी है। मम्मी और का फ़ोन भी आया, मम्मी और बस आने ही वाले हैं रास्ते में, तो चलते हैं। तो अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर सब्ज़ी, पास में ही घर के सामने ही मतलब वहाँ पे। और हमारा जाना कैंसिल हो गया है। दूध ले आइयो, दूध। तो हमारा ना मार्केट जाना कैंसिल हो गया है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं। और फिर मम्मी और ने डिमांड भी इतनी सारी सब्जियों की रखी है कि सीताफल, आलू की सब्जी, सिंगाड़े वाली रोटी और टिक्कियाँ जो नैना ने कल बनाई थी और चावल वर्त वाले फिर रायता। भाभी बोल रहे हैं कि बहुत टाइम हो जाएगा, इतना सारा सामान बनाना है। तो भाभी बोल रहे हैं खाना वाना बना के ही चलेंगे, तो बाद में पड़े भी है ना आलू। गाइस आपने सुबह देखा होगा कि हमने आंटी के साथ एक प्रैंक किया, हमारे घर में एक क्रोकोडाइल का प्लास्टिक का खिलौना है, वो रात को मिला है नैना को कहीं से गली में, उसने हमें भी डरा दिया था रात को, भाभी को भी डरा दिया था। हाँ, मैं भी, और मेरे को भी और पापा को भी, हमें भी नहीं पता कहाँ से उठा के लिए। तो अभी एक और आंटी है, आपने देखा होगा हमारे व्लॉग में, वो हमारे घर में मतलब पड़ोसी है, तो वो हमारे घर में आ जाती है ऐसे बैठने बैठने के लिए। तो उनको ना अभी हमने दुकान पे भेज दिया है नैना के साथ, वो दुकान पे चली गया कुछ सामान लेने के लिए। तो अभी हम प्लान बना रहे हैं भाभी और मैं कि उनको कैसे प्रैंक करना है। मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं वो उसको ना तो बेड के नीचे रखती हूँ। अच्छा। तो मैं बोलूँगी कि मामी मेरे साथ चलना बाहर तक, तो मैं बोलूँगी मामी मुझे ना झुकना नहीं है, मेरी चप्पल निकाल दो, और चप्पल अपल कुछ नहीं होनी चाहिए, जैसे ही वो हाथ मारे ना वो हाथ में आ जाए बस, और तू फोन लेके ना वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाऊंगी वीडियो के लिए। ऐसे हंसी मत, सीरियस ऐसे लेके अपना खड़ी है, मामी का क्या होता है। हमारी काम वाली आंटी है जो, उनको तो पता नहीं है वीडियो वगैरह के बारे में, इनको तो पता है। तो हम ना ऐसे मतलब कैमरा ना मैं ऐसे कर लूंगी अपने पास, उनको तो पता है। मैं तेरे को पहले बोलूंगी मैं अभी आ रही हूँ, बाहर जा रही हूँ केमिस्ट की दुकान पे कोई सामान लेने। हाँ, फिर उसके बाद ना मैं कहूँगी चप्पल निकाल दो, मेरे को झुकना नहीं है, डॉक्टर ने मना किया, फिर देखते हैं क्या। तो वो है का, वो नैना को पता है। अरे यार देख लेंगे यहीं कहीं, चल हम ढूंढते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या चीज है जिससे हम भी डर गए थे और नैना ने पापा और को भी डरा दिया था। वो रहा पलंग के नीचे ही पड़ा, बहुत तकड़ी है, बहुत तेज की डरे थे हम भी रात को। ये रहा, अभी भी निकालने में भी डर लग गया, ये देखो रियल लग रहा है बिल्कुल, और बेड के नीचे रखने में तो और भी रियल लग रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना बेड के नीचे, तो बिल्कुल रियल सा लग रहा है ये देखो। इस साइड रख दे, मैं कहूंगी मामी देखना मेरी चप्पल है, हाथ मारना। हाँ नीचे देखना, टॉर्च जला के मैं टॉर्च जला लूंगी। यहाँ ऐसे रख देते हैं,
यहाँ ऐसे रख देते हैं, जो मैं कहूँगी अच्छी तरह हाथ मार के देखें, कहीं वो समझ ना जाए। पर ये अलमारी के नीचे रख देंगे, अलमारी के नीचे तो वो देख भी नहीं पाएंगे। हाँ हाथ में आ जाएगा या तो क्योंकि अच्छी तरह हाथ मारो। हाँ तो अलमारी, ओ यहाँ पे तो बिल्ली बैठी है पहले से, ये ना ले जाए कहीं रियल वाली। तो हम यहाँ रख देते हैं, सही है इतना। हाँ दिखे हटा दे ताकि वो, मैं कहूँगी ना अच्छी तरह हाथ मारो तो ये आ जाए हाथ में। हाँ ऐसे दिख भी नहीं रहा। हाँ सही है। तो अभी बस हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे और हमारा प्रैंक जो है सक्सेस होगा या नहीं। पहले वाला प्रैंक तो हमारा पापा ने खराब कर दिया, पापा ने उनको आंटी को बोल दिया कि हमने ये पाल रखा है। हाँ वरना वो आंटी इतनी सीरियस थी। हाँ आंटी बाहर किसी को बुलाने जा रही थी कि पापा ही आ गए, फिर पापा कह रहे थे नहीं है तो प्लास्टिक है। हाँ आंटी का सारा डर खत्म हो गया। पापा आंटी बोल रहे किसी को ना आदमी को बुला के लेके आओ बाहर से, बाहर से मतलब अच्छा था, बहुत हंस हंस के पागल हो गए। अब ये वाला देखते हैं प्रैंक होता है नहीं होता। तो नैना और मामी आ गए हैं सामान लेके। कितने कैसे दिया आटा ये वाला वर्क का? 160 रुपए किलो, एक किलो। अच्छा ये भी सामान लेके आ गए हैं। 120 के लड्डू। अच्छा लड्डू, अच्छा तो गाइस भाभी निकाल के आओ। ए लड्डू कहाँ हैं? ये तो पड़े यहाँ रे, ये रे। बच्चे को दे दूँगी ना। जा रहे हो फिर अभी? आओगे? ठीक है आ जाना। तो गाइस अभी तो आंटी चली गई है, पर अभी थोड़ी देर में आएगा तो देखते हैं फिर प्रैंक होता है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, नैना कर रही है यहाँ पे तैयारी टिक्की की, भाभी वहाँ पे बना रही है दोनों सब्जियाँ। बन गई भाभी? बनने वाली है। और नैना कर रही है यहाँ पे कल की तरह टिक्की बनाएगी आज भी। और हम बना रहे हैं यहाँ पे रायता, और हम घर में ही जमा रहे दही कुछ दिनों से, कुछ दिनों से नहीं जब से हमारे 16 व्रत चालू हुए थे जब से। और ये हांडी मम्मी चंडीगढ़ गई थी जब लेके आई थी स्पेशली दही जमाने के लिए, तो हम इसमें ही बहुत अच्छी दही जमती है, दूध से जमाते हैं ना तो बहुत, और रायता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इसका। और कितनी गाढ़ी है आप खुद देख सकते हो। पर मेरा खाने का मन कर रहा है दही, पर अभी खा नहीं सकते क्योंकि भूख लगेगा। मेरे नलों में पता नहीं क्या हो गया। मामी इसके नीचे सॉरी चप्पल देख दो, इसके नीचे मेरे को झुकना नहीं है। डर गए तुम? नहीं डर है, डर है हाथ में आ गया। हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो डरा रहे थे तुम। हम तो मन का मामा को डराएंगे कि हम से वो हाथ में आ ना। डरे ही नहीं तुम, तुम डरे नहीं। तुमसे अच्छा तो प्रैंक आंटी उन आंटी का हुआ है। हाँ। वो कम वाली आंटी है ना। हाँ अच्छा कुछ भी ना हो रहा है, दिमाग खराब करने लगी मेरा। अच्छा अब हम जा रहे हैं सारा सामान लेने। नहीं अभी नहीं हुआ, बस खाना वाना खा के जा रहे हैं।
लेट हो गए, 10 बज चुके हैं, तो कहीं दुकान दुकानें बंद ना हो गई हो। बंद होगी होगी? नहीं, आज के दिन तो खुली रहती है। खुली रहती है वैसे तो आज के दिन, तो अभी जा रहे हैं, फिर रिक्शा रोकेंगे जाएंगे। अभी कह रही है कि हम ना हर साल इतनी लेट ही जाते हैं ये वाला सामान लेने के लिए। 11 बजे तक ही जाते थे। हाँ, लाइटें भी बंद नहीं हो जाती। हाँ, और खुली होती है आज कल और परसों तो खुली रहती है। नहीं, परसों का क्या रहता, परसों का से रहना, तो कल हमें करनी है चिप्स का। और पता नहीं शायद वो वाली दुकानें बंद ना होगी हो जो पटरियों पे लगी रहती। नहीं, जो सामान खरीदना होता है और बहुत दिन हो चुके हैं, ये खाना खा खा के ना पक चुके हैं, बहुत हो गया। दस बात किया भगवान के वो कर रहे हैं, पर 16 वर्षों से लगे, अभी 2-3 दिन का गैप मिला था बीच में, वो फिर उज्जैन चले गए। उज्जैन में भी बाहर का होटल का खाना खाया रोज, फिर घर का खाना मिला ही नहीं। फिर उसके बाद नवरात्रि आ गए, नवरात्रों में भी यही खाना, अब बहुत दिन हो गए यही खाना खाते हुए। कल खाएंगे, हाँ आज लास्ट है, और कल खाएंगे हल्का खाना, दाल चावल। हाँ, वो हमेशा ही बनती है, दाल चावल खाएंगे कल खाना। तो हम आ तो चुके हैं और मार्केट जो है खुली हुई है। सही बोल रही थी भाभी कि आज तो खुली रहेगी, तो अभी ले रहे हैं किंचका के लिए सामान वगैरह, सूजी और आटा वगैरह, छोले वो सब लेंगे इनकी शॉप से। तो हमने आधा सामान ले लिया है और केले भी यहीं से ले लो। तो हमने खाने पीने का सामान तो ले लिया है, उस शॉप पे रख दिया, और अभी किंजक के लिए ले रहे हैं कुछ। प्लेट बोलिए मम्मी ने, ये कितने का है वैसे? 12 पीस लेंगे तो 15 का है। तो तो हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किंचका के लिए क्या ले। तो भाभी बोल रहे हैं कि मम्मी ने बोला है प्लेट लेनी है, प्लेट लेनी है जिसमें खाना रख के आराम से ले। तो देख लेते हैं अभी, अच्छी लग रही है ना कार्ड बनी हुई, और भी डिजाइन होंगे इसमें शायद। ये भी अच्छी लग रही है, कुछ भी नहीं आया, बस एक ही है। ये बड़ी है, पिछले साल भी थी शायद। नहीं, भावे तो घर की सोच रही। हाँ जी, एक कॉफी की 6 ले लिया, ले लो। कितनी? 12 है ये, कितने लेनी? 12 ही ले लो, किंचका तो हमारे ज्यादा ही आती है। 6 70 रुपए का, 6 कुछ और ले लो, 6 ये ले लो, ऐसे कर लो। 12 ये ले लेते हैं, 6 कुछ और ले लेते हैं, ज्यादा नहीं हो जाती, लंगर भी तो आ जाते हैं। हाँ, ये भी अच्छी लग रही है ना। 12 लेंगे ना, 6 दर्जन वाला रेट बता रहा हूं, ये 6 है, इसमें छोटा भी है, 60 रुपए का। ये वाली अंदर कौन सी? ये आएगी जी आपकी 150 की। 12 छोटे बच्चों की अच्छी चीज है आपके 240 और 80। तो हमने ये प्लेट से ले लिया, दोनों प्लेट लिया ना, काइट और वो वाली। हर साल की तरह वही सामान ले लिया, प्लेट वगैरह, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है, और वो पिन वगैरह देख रहे तो वो महंगे होते रहे। तो हर साल की तरह वही ले लिया, और अभी रिक्शा रोक रहे, फिर घर जा रहे हैं। मार्केट भी बंद हो रही है, देखो
सारी मार्केट आधी उठ रही है, मतलब बंद हो रही है। नैना गई वहाँ पे रिक्शा करवाने, देखो क्या हुआ, चलो सामान। हमारे इतने घर के पास ना मेला लगा हुआ है, पर एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि हम आए हो यहाँ पे। ये देखो मेला लग रहा है, भीड़ कितनी हो रही है, रामलीला चल रही है ना, सारे सारे लोग गए होंगे रामलीला वगैरह देखने मेले में, पर हमारा घर ऐसा है हम कहीं नहीं जाते, हमें कहीं लेके नहीं जाते, बस अब दशहरे वाले दिन जाएंगे, वो भी हमारे घर के पीछे वाला रावण देखने, और पता नहीं दूसरा और कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो भी नहीं पता, कहीं नहीं जाते, कोई नहीं जाता, इसलिए हो जाएंगे। बोलते हैं कि भाभी खाना बना लेगी, पर भाभी खाना भी बना लेगी जल्दी, पर फिर भी कोई नहीं जाता। इसके बारे में कुछ कहना, सब एक दूसरे का नाम लगाते रहेंगे इसकी वजह से, नहीं लेकिन हाँ। नहीं निकलता कोई नहीं है, हाँ। कोई भी नहीं निकलता, वो है ना हमारी प्रियंका दीदी, बस उसी के वजह से हाँ। वो काजल लगाने में एक घंटा लगा देती है वो ब्लॉग देखेगी मेरे बारे में ऐसे बोल रहे थे तुम, बस उसी ने ही सबका टाइम टेबल खराब कर रखे हैं, बस आए क्या भी है। और एक ये है 20 बार कपड़े बदलती है, 36 बार लिपस्टिक को चेंज करती है, सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है और एंड में इसको सिर्फ रेड कलर ही लगाना होता है, पिंक या रेड लगाएगी और सारे टेस्ट ले लेगी, और फिर कोई जचेगा नहीं, फिर वही रेड चिपका लेगी या पिंक चिपका लेगी, इसका यही काम है। और मेरा तू तो नहीं यही बदलती है ना कपड़े, तो मैं तो एक रहती हूँ ना, ये धीरे धीरे बाल फाड़ के रहती है, मतलब धीरे धीरे करती हूँ, पर इनकी नैना की तरह नहीं बदलती नहीं है कुछ भी, मैं कपड़े भी एक ही बार पहनती हूँ पर सबसे पूछ के पहनती हूँ, फिर वो जज जाते हैं तो फिर ठीक है भाई चल दो जज जा, अब देखते हैं कल। यहाँ पे सारा माल जो है आ चुका है, दीदी और भी जो गए हुए थे अपना शॉप के लिए माल लेने के लिए, सारा सूट्स जो न्यू स्टॉक है इनका भी लगा रहे हैं रेट वेट, और यहाँ पे सब खाना वाना खा के बैठे हुए हैं, और ये सूट देख लो कितना सुंदर लग रहा है टमाटर कलर का, एक मजेंटा कलर है, दोनों ही अच्छे कलर है, अच्छा लग रहा है, और काफी सारे कपड़े हैं, ये कम लग रहे हैं, ये कम दिख रहे हैं यहाँ पे, पर तीन चार पन्नियां हैं, बड़ी बड़ी जंबो पन्नी, वाओ ये कितना सुंदर लग रहा है, कलर कितना सुंदर है, चाहिए फिर ना तू ले ले दस चल दशहरे लाइन वाला।